चाहिए। तो कॉपर 29, 3d9 4s, ये बना 3d9, यहाँ होगा 4s2, ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ होगा पी ऑर्बिटल जो वेकेंट है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कॉपर का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज करेगा। तो देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम पहले ही बता कर चुके हैं, प्लस टू, मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन जाना है। कौन से जाएंगे? ये वाले। तो नया डायग्राम क्या होने, डी में कितने बचे? 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और एस हुआ वेकेंट। पी ऑर्बिटल ऑलरेडी पहले से वेकेंट है, बन गया डायग्राम, ये नया वाला ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ये कॉपर 29 2 प्लस का डायग्राम है। अब इसमें लिगेंड कौन आया? अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर लेकर के आया और वो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो तो हुंड्स मल्टीपल लाके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा। पर समस्या ये कि इसमें पीछे जगह ही नहीं, तो अमीन को गुस्सा आएगा, अमीन इसको यहां से भगा देगा। कहां भगा देगा? यहां से ले जाकर के यहां लास्ट के पी जेड ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा और यहां जगह कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो यहां से इसको भगाएगा। भगाने पर क्या होगा? नई कहानी, 1, 2, 3, 4, 5 ये गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8, इसको भगा दिया उसने सबसे लास्ट में, कहीं गया नहीं है वो छोड़ करके, ना बैक साइड पुश किया, तो बैक साइड तो पुश कर ही नहीं सकता। ये ऑर्बिटल वेकेंट पी के, ये 3 यहाँ लेके आ गया उस इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से अपने लोन पेयर को शिफ्ट करा, क्योंकि लिगेंड जितना नजदीक लगेगा, लिगेंड जितना नजदीक लगेगा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है DSP2। बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन ज्योमेट्री, क्योंकि इसने जगह बनाई। और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ये कहानी खत्म हुई, कुछ नई टाइप की कहानी थी, इसको नोट कर लीजिए।